आज हमारे किचन में बन रहा है मटन अफगानी। ये 350 ग्राम का मैंने मटन अफगानी बनाया, बहुत ही लाजवाब, बहुत मजे का। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह बहुत लाइक करें। कैसे हैं आप, उम्मीद है सब ठीक होंगे। शेफ एंड स्टाफ मैं आपको वेलकम। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन अफगानी। उसके लिए ये मैंने 2 गिलास पानी के लिए, मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ। अगर आपने कुकर में बनाना है तो वो 10 मिनट आप वेट लगा दें, तो मैं बना रही हूँ तेजकी में। तो ये मटन हम इसके अंदर डाल देंगे, मटन को अच्छी तरह से धो लें। और इसके अंदर जो है आप नमक डालें 1/2 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, 1 टेबल स्पून। तो इनको हम चढ़ा देंगे पकने के लिए, ताकि ये, क्योंकि मेरा फ्रेश है मटन ये, तो तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये हमारा मटन जो है वो बन जाएगा, पक जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे जी। तो जब तक हमारा मटन बन रहा है, तो हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, आज के करीब मैंने ग्रीन चिली ली वो भी डाल दी हैं, ये अदरक के मैंने 2 टुकड़े लिए हैं ये भी डाल देंगे, अदरक उसमें भी हमने डाला था, लहसुन के जवे डाल देंगे 5, और ये मैंने प्याज ली है तकरीबन 2 नॉर्मल साइज़ के। इन सबको हम जो है वो ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। तो ग्राइंड करके उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, तब तक हमारा इंशाल्लाह मटन हो जाएगा। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। जी तो ग्रीन मसाला जो हमारा रेडी हो गया, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम अगला प्रोसेस करते हैं जी। तो इसके अंदर हमने डाली 250 ग्राम जो हमने योगर्ट डाला है, और 150 ग्राम हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई डाल दें, और मटन जो है वो आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, मैंने बोनलेस लिया है। तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं ये। तो ये भी ग्रेवी हम इसके अंदर डाल देते हैं जो हमने मलाई और योगर्ट की बनाई है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसाले में जो मैंने लिया है, मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, वाइट पेपर लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, क्योंकि हमने उसमें गोश्त में भी डाला है। और 1 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर, ये डाल दें। हाँ जी, तो 2 टीस्पून हमने लिया है कसूरी मेथी। इन सबको हम कर लेते हैं मिक्स, और एक बैटर बना लेंगे। इसके अंदर ही हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, टू टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल देंगे, और इसका एक बैटर हम बना लेते हैं। फिर हम गोश्त को चेक करते हैं कि गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। तो जी इसके अंदर मैंने डाला है 1 1/2 टेबल स्पून विनेगर, तो ये मैं भूल गई थी, ये भी मैंने अंदर डाल दिया है, आप लेमन भी डाल सकते हैं। तो हम गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त का पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम मटन को निकाल लेते हैं, और यहाँ पे रखते हैं एक फ्राई पैन। तो मटन को थोड़ा ठंडा होने देते हैं जी। तो मटन हमारा थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो इसके अंदर हमने मटन को डिप करके रख दिया इस ग्रेवी में।
ये तकरीबन दो घंटे तक हम इसको इसके अंदर डिप करके रखेंगे, उसके बाद जो है हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। दो घंटे हो गए, अब हम मटन को निकाल लेते हैं ग्रेवी से और इसको हम करेंगे फ्राई। ये सारा मटन मैं निकाल लूँ। अब मैंने ऑयल जो है वो पैन के ऊपर रख दिया, तो ऑयल हमारा अभी गर्म हो गया होगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको सारी बोतियों को कर लेंगे फ्राई। मैं अगेन कह रही हूँ कि आप हड्डी वाला गोश्त, मेरे पास हड्डी वाला नहीं था तो मैंने बोनलेस यूज़ कर लिया, लेकिन हड्डी वाले गोश्त का ज़्यादा मज़े का जो है मटन अफगानी बनता है। तो बस तरीका यही है, लेकिन गोश्त जो है वो आप चेंज कर दें। इस तरह से हम सारा इसको फ्राई कर लेंगे बहुत हल्की आँच पर, 3 से 4 मिनट सारी साइडों पर। फिर हम इसको इसकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे। हम 3-4 मिनट इसको फ्राई करते हैं। जैसे जो गोश्त हमारा बड़ा ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है, तो ये प्रॉपर फ्राई हो जाए। ज़रा 80% आपने जो ना इसको प्रेशर में गला लेना है या फिर देचकी में गला लेना है, और 20% आपने नहीं गलाना, क्योंकि वो फिर जब ग्रेवी होगी तो उसमें भी वो मटन ने होना है। तो ये हमारा बहुत मज़े का मटन जो है वो फ्राई होने वाला है 2 से 3 मिनट में। फिर हम इसको उतार लेंगे। ये मटन हमारा फ्राई हो गया, तो मटन को हम उतार लेते हैं और हम वही अपनी देसी को कर लेते हैं आगे। और इसमें हम अपनी सारी जो ग्रेवी है जो हमने बनाई है वो डाल देते हैं अंदर। और इसको हमने बहुत अच्छी तरह पकाना है, क्योंकि इसके अंदर योगर्ट और क्रीम है, तो इसको बहुत आपने गला लेना है। और ये जो ऑयल है ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आंच को हम कर देते हैं थोड़ा तेज, इसको हम पकने देते हैं। इसको 15 से 20 मिनट हम पकने देंगे, ताकि ये प्रॉपरली इसके प्याज और योगर्ट और हर चीज़ जो है वो पक जाए। हम 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये तो हम ग्रेवी को चेक करते हैं, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। इसको हम बंद करके पकाएंगे ताकि इसके छींटे नहीं पड़े, क्योंकि दही के छींटे उड़ते हैं। हाँ जी, तो इसके साथ हम मटन को भी डालेंगे और ये भी भुनता रहेगा जब तक इसका जो है वो ऑयल नहीं निकल आता। ये आपने ऊपर ढक्कन देके इसको करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं। तो हम मटन को चेक करते हैं, ये तकरीबन 10 मिनट हो गया मटन को गलते हुए। हमने इसको प्रॉपरली और पकाना है, क्योंकि हम प्रेशर में नहीं पका रहे हैं तो इसको टाइम लगेगा। प्रेशर में पकाएंगे तो बहुत क्विक बनेगा। तो हम मटन को चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर ग्रेवी आना शुरू हो गई है। अभी हम इसको और भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट। ये तो हम चेक करते हैं, देखिए जी हमारा मटन अफगानी कितना ज़बरदस्त रेडी हो रहा है। तो ये छींटे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, तो आपने बहुत एहतियात से जो है वो करना है। इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो मैं बटर डाल दी हूँ, उससे बहुत अच्छी इसकी जो है वो खुशबू आएगी। तो इसको हम बंद कर देते हैं, 3-4 मिनट और पकाएंगे। हाँ जी, तो 4 मिनट हो गए, माशाल्लाह से हमारा मटन अफगानी जो है वो रेडी है। मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मटन अफगानी हमारा हो गया, इसमें मैंने चारकोल रखा और इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसको हम कर देंगे बंद तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। फिर हम आपको दिखाते हैं। 4 मिनट हो गए, अब हम इसको निकाल देते हैं और फिर आपको इसको दिखाते हैं। देखिए जी, आप इसको बना कर ट्राई करें, ईद पर ईद आने वाली आप बहुत लाइक करेंगे। ये बहुत ही मज़े का जो है मटन अफगानी बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वाले बहुत खुश होंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।